गुड इवनिंग एवरीवन एंड यू ऑल आर वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज का सेशन डेडिकेटेड रहेगा हमारा एचपी पटवारी एग्जाम से रिलेटेड। और आज के सेशन में मैं इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बार हम ये जान लेंगे कि एचपी पटवारी एग्जाम जो था, ठीक है, उसमें जो ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल हुए या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जिन्होंने क्वालिफाई नहीं करा इस एग्जाम को, उसका रीजन क्या हमें ज्यादातर देखने को मिला। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स से जिनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर बाकी सेक्शन जो थे उनमें हम श्योर श्योर थे कि ये क्वेश्चन सही है ये गलत है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जैसे ही हमें देखने को मिली तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले हम कंफ्यूज हो गए, है ना, डर लगने लग गया क्योंकि फोबिया है इंग्लिश का। और उसकी वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थे जो आते थे वो भी हम गलत कराए, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने आज से पहले पढ़ा ही नहीं था, तो हमने एक गेस्ट वर्क से कराए। तो हम उस एग्जाम को लेकर या उस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर श्योर नहीं है कि वो सही होगा या गलत होगा। और रिजल्ट आने के बाद यह पता लगा कि ज्यादातर जो स्टूडेंट है उनका स्कोर कम रहने का जो रीजन है, जो वजह है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन। तो आज मैं आपके साथ ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के वो डिस्कस करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने डील करना है, कितना क्या लेवल है एग्जाम का और अपकमिंग एग्जाम जो आपका होगा उसमें कैसा लेवल रह सकता है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बार आप लोग हमारा वीकली शेड्यूल देख लेंगे कि वीकली शेड्यूल क्या है। जैसे कि हमारे डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सेशंस होते हैं, ठीक है, जिनमें आपके डिफरेंट टीचर्स आके आपके एमसीक्यू सेशंस लेंगे, जो कि शुरू होगा सुबह 10:15 बजे। फिर उसके बाद 2:15 बजे हमारा एक सेशन शुरू होगा जिसमें मेंस करंट अफेयर का सेशन लिया जाएगा। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स 6:15 बजे शाम को, और फिर उसके बाद एचपी पटवारी क्लासेस चलेंगी, क्लियर। तो ये भी आप डिटेल देख सकते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी हमारे आते रहते हैं तो उनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ये था हमारा वीकली शेड्यूल जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। और अब मैं डिस्कस करने वाला हूं एचपी पटवारी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस जो थे इंग्लिश लैंग्वेज के, वो सब मैं आज आपके साथ पूछने डिस्कस करने वाला हूं, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमें देखने को मिला कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब ये सिनोनिम का क्वेश्चन है, क्लियर, एंटोनिम सिनोनिम्स, यानी कि वोकैबुलरी का पार्ट है और सिनोनिम का क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा गया। उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ड आपको दिया गया है, वोकेशन जो वर्ड आपको दिया गया है, इस वर्ड का जो मीनिंग है वो आपने यहां पर बताना है, ठीक है। जो आपको वोकेशन वर्ड दिया गया है, इस वर्ड का आपने मीनिंग हमें बताना है। तो चार ऑप्शंस आपको देखने को मिले, हॉलीडे, ब्रेकअप, ऑक्यूपेशन एंड वर्चू। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहे होंगे जिन्होंने वोकैबुलरी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ग्रामर ही पढ़ते रहे, वोकैबुलरी नहीं पढ़ी, और उस वजह से फिर उनको वोकेशन और वोकेशन जो है वो एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। कई लोगों ने इसे वोकेशन भी पढ़ लिया होगा, कई वोकेशन ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन वोकेशन का वो वर्ड जो है ये रिलेट कर रहे होंगे वेकेशन से। तो वोकेशन और वोकेशन में तो देखो बहुत डिफरेंस है, क्लियर। वोकेशन का मतलब क्या होता है कि वोकेशन इज रिलेटेड टू कि कोई भी ऐसा काम, ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, जिसमें हमें करने में अच्छा लगे या हमें मजा आए, ठीक है, और जो हमें कोई फायदा भी दे, दैट इज कॉल्ड वोकेशन, क्लियर। तो वोकेशन उस काम को कहा जाता है, यानी कि वोकेशन जो है इसका सिनोनिम जो है वो क्या हो सकता है, वो ऑक्यूपेशन इसका सिनोनिम हो सकता है। हॉलीडे नहीं होगा, वेकेशन नहीं है, वोकेशन है, क्लियर। तो कई लोगों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे उन्होंने हॉलीडे इसका क्लिक करा था ऑप्शन, जो कि गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ वोकैबुलरी पे ध्यान जरूर दें, क्योंकि वोकैबुलरी की वजह से ही बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छी कमांड होने, ग्रामर में बहुत अच्छी कमांड है लेकिन वोकैबुलरी में अच्छी कमांड नहीं, इस वजह से स्कोर में पीछे चल जाते हैं। तो वोकैबुलरी को भी इक्विवेलेंट लेकर चलना है आपने, उसको भी पैरेलली लेकर चलना है ग्रामर के, क्लियर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्यूपेशन, क्लियर। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट हमारा आता है इंपीरियस। इंपीरियस वर्ड जो है इसका क्या मीनिंग है, चार ऑप्शन दिए उन्होंने, प्राउड दिया है, टेंपर दिया है, टेंपर एंड डिस्टेंट, क्लियर। अब इंपीरियस का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसे जान लेंगे। इंपीरियस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर या फिर कोई ऐसा इंसान जो दूसरों को इंफीरियर समझे, खुद को सुपीरियर समझे और सोचे कि सभी मेरा कहना माने, क्लियर। अगर मैं इसको एक आसान शब्दों में या वर्ड्स में समझाना चाहूं तो इसका मतलब होता है एरोगेंट, क्लियर। इसका क्या मतलब होता है, एरोगेंट, यानी कि जो घमंडी लोग होते हैं जिनको अपने
पावर पे घमंड होता है, ठीक है, अपनी स्टेट पे घमंड होता है, स्टेट मतलब जो भी, जैसे कि वो रिच है, ठीक है, या फिर पावर उनके पास बहुत है, तो इस चीज का घमंड होता है, उन्हें लगता है कि बाकी तो तुच्छ है, मेरे सामने कुछ भी नहीं, दैट इज कॉल्ड एम्पीरियस। तो घमंडी का यहाँ पर एक और हमें वर्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्राउड, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो मोस्ट सिमिलर हो, है ना, कि जो काफी हद तक उससे मिलता जुलता हो, तो उससे काफी हद तक मिलता जुलता जो वर्ड है वो क्या है, प्राउड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, प्राउड इज योर राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी विल हैव बीन सर्व फूड इज इन। अब उन्होंने कहा कि ये जो टेंस है, ये टेंस कौन सा लिखा गया है, कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में लिखा गया है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात की जाए, क्लियर, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनेट की, तो फ्यूचर इंडेफिनेट, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। उसके बाद फिर और भी अगर आप लिखना चाहो तो फ्रॉम या फॉर इसके बाद लिखा जा सकता है, फ्रॉम या फॉर, क्लियर, और उसके बाद आप लिख सकते हो टाइम। तो ये स्ट्रक्चर इसका होता है ना। और उसके बाद जो है नेक्स्ट, इन्होंने लिखा फ्यूचर इंडेफिनेट, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शेल विल, क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद एक शेल विल लिख देंगे, और शेल विल के बाद फिर हमें क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, शेल विल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट ये है, ओ ठीक है, मैं इसे फ्यूचर परफेक्ट ही पढ़ी जाता है, एक्चुअली पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्यूचर परफेक्ट। एंड पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यह स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यहां पर आप समझ लेंगे कि पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, क्लियर, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद टाइम आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब आप लोगों को क्या करना था कि आपको स्ट्रक्चर इसके लिए याद होने चाहिए थे, तो स्ट्रक्चर तो हमने पढ़े ही नहीं है ना, स्ट्रक्चर तो आप लोगों को याद ही नहीं है, और मैक्सिमम स्टूडेंट का यही तो प्रॉब्लम है कि टेंस तो हमने पढ़े लेकिन स्ट्रक्चर याद नहीं रहते, और जब भी याद करते हैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद भूल जाते हैं, क्लियर। तो जो स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको इतना यकीन दिला देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े हुए हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप एक बार कमेंट करके इसके बारे में बताना जरूर कि स्ट्रक्चर क्या आप लोग कभी भूले जिंदगी में मेरे पास पढ़ने के बाद, कभी नहीं, कभी नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे पास एक बार स्ट्रक्चर पढ़े हैं, वो कभी भी जिंदगी में इस बात को भूले नहीं है, क्लियर। ये बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर आप भूलते क्यों है, स्ट्रक्चर आप इसलिए भूलते हो क्योंकि आप स्ट्रक्चर को क्रैम कर रहे हो, उसको सीख नहीं रहे हो, आप उसको क्रैम कर रहे हो, और जब भी हम किसी चीज को क्रैम करते हैं तो हम उसको जब सीखे ना, जब सिर्फ क्रैम करें, तो वो फिर दिमाग से निकलता ही निकलता है, क्योंकि क्रैमिंग जो है दैट लीड्स टू फेलियर, क्लियर। क्रैमिंग जो है वो आपको स्किल्ड नहीं बना रही है, वो आपको रट्टू तोता बना रही है, तो रट्टू तोते तो कभी काम करेंगे नहीं, क्लियर। तो आपको स्किल्ड बनना है, आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से समझना है, क्लियर। और मतलब अगर आप मेरे पास एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो जिंदगी में कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आया, उन्होंने पूछा कि ये कौन सा टेंस है, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर। और ये जो क्वेश्चन था ये सिर्फ टेंसेस पे बेस नहीं था, इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कंसेप्ट भी यूज किया गया था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कंसेप्ट भी यूज किया गया था। अब यहां पर जो लिखा हुआ है, शी विल हैव बीन सर्व्ड, अब आप कहोगे कि शी विल हैव बीन, लेकिन यहां पर तो ING फॉर्म लिखी हुई है, इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस लिखा गया है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस लिखा गया है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस जो है उसमें क्या होगा, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम बीन लगा देंगे, क्लियर।
यानी कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ आपका इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, किसका? फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इस तरह से लिखोगे आप स्ट्रक्चर को, और पैसिव वॉइस में ऐसे लिखोगे फ्यूचर परफेक्ट का। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ए जो है, इसका राइट आंसर होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड जो है वो, सॉरी अगेन पता नहीं क्यों ध्यान इसकी तरफ बार बार जा रहा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड जो है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट। अब यहां पर जो डिफिकल्ट लिखा गया है, ये डिफिकल्ट वर्ड जो है ये क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में ये लिखी गई है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री लिखी गई है? पॉजिटिव डिग्री। और अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री की बात की जाए तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर डिफिकल्ट एंड सुपरलेटिव होगी, मोस्ट डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट। क्लियर? अब उन्होंने कहा कि दिस लेसन इज डैश डिफिकल्ट। अब जो डिफिकल्ट है इसके लिए आपको एक, इससे पहले आपको एक एडवर्ब लगानी है। वो एडवर्ब कौन सी लगा सकते हो आप? लगा सकते हो कौन सी? टू, वेरी, द लिटल एंड मच। अब द लिटल जो है ना वो एक डिटर्मिनर, द लिटल जो है वो एक डिटर्मिनर है, द लिटल, अ लिटल, ठीक है, और लिटल, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि डिटर्मिनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, वो कभी भी एडजेक्टिव से पहले नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं? वो नाउन के लिए यूज होते हैं। क्लियर? तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारे पास बताया मच, वेरी एंड टू। टू जो है ये एक नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है, टू जो है ये क्या होती है आपकी, एक नेगेटिव एडवर्ब होगी। अब ये नेगेटिव एडवर्ब अगर है, ठीक है, तो ये सेंटेंस को नेगेटिव बना देगी, यानी कि ये कह देगी कि ये डिफिकल्ट नहीं है, तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। अब उसके बाद ऑप्शन बचे वेरी और मच। अब वेरी और मच में डिफरेंस क्या होता है कि मच जो है ये हमेशा तब यूज किया जाएगा जब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखी गई है। ठीक है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखी गई है तब ये लिखा जाएगा, लेकिन ये जो डिग्री है ये पॉजिटिव लिखी गई है, तो पॉजिटिव डिग्री से पहले हम क्या लिखते हैं? वेरी लिखते हैं। तो इस वजह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर? जैसे हम लिख देंगे कि मैंने लिखा यहां पर बेटर, और मैंने आपको कहा कि इस बेटर से पहले आपके पास दो ऑप्शन है, आप लिखो वेरी या फिर लिखो मच। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कई बार कि हम ऐसे बोलते हैं मच बेटर, मच बेटर। क्यों? क्योंकि बेटर जो है ये क्या है आपकी, एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले अगर आपको वेरी या मच में से चूज करना हो तो आप क्या यूज करते हो? मच। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं गुड, ठीक है, और फिर मैं आपके पास कहूं कि आपको वेरी या मच में से दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, वेरी या फिर मच में से एक ऑप्शन चूज करना है, अब गुड जो है ये क्या है आपकी, पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री से पहले हम वेरी यूज करते हैं, इसके ही हम बोलते हैं क्या, वेरी गुड। क्लियर? एंड मच बेटर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करेंगे? मच, और पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या यूज करेंगे? वेरी। इस चीज का ध्यान रखेंगे, एडवर्ब का कॉन्सेप्ट यहां पर पिक किया गया, वहां से ये ब्लैंक बनाया गया। जैसे कि मैं ऑलरेडी काफी स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ इसके रिगार्डिंग, कि कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर ये जो एग्जाम है इसको या फिर ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो एग्जाम है इसमें क्या पैटर्न आता है, तो किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने समझ लिया, तो कहेंगे ब्लैंक्स कैसे तैयार करें सर, और ये कैसे तैयार करें सर, वो कैसे तैयार करें सर? कुछ नहीं तैयार करना आपको, आपको ग्रामर तैयार करनी है बस, क्वेश्चन जहां मर्जी से पूछ ले, कोई दिक्कत ही नहीं आई कभी जिंदगी में। आपको दो ही चीजें तैयार करनी है, ग्रामर एक वोकेबलरी, लेकिन करनी टेक्निकली तैयार, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो फिर वो छूटे ना क्वेश्चन। क्लियर? तो आप अपने एग्जाम में श्योर शॉट तभी हो सकते हो जब आपके पास क्लैरिटी है, वर्ड्स को लेकर क्लैरिटी है, रूल्स को लेकर क्लैरिटी है, यूसेज ऑफ ग्रामर, यूसेज ऑफ वर्ड्स, यूसेज ऑफ फ्रेजेस, ठीक है, इन सब की यूसेज को लेकर अगर आपकी क्लैरिटी है तो फिर एग्जाम आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। अगर क्लैरिटी नहीं है तो एग्जाम सारे ही मुश्किल है। ठीक है, फिर दिल्ली बड़ी दूर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अवॉर्ड और लॉ
नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी ऐसी चीज जो यूज में नहीं है। तो काफी स्टूडेंट आउटडेटेड इसको कर कर आए थे, लेकिन ये जो है इसका राइट आंसर नहीं है। कोई भी ऐसा वर्ड जो यूज में नहीं है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑब्सोलीट। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड विच इज नॉट इन यूज, क्लियर, और नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड व्हाट, ऑब्सोलीट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑब्सोलीट, और ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि जो वोकैबुलरी है इसमें हमें देखने को मिल रही है, ये बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं है, ऐसी वोकैबुलरी है जो रिपीट होती रहती है एग्जाम में, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट विद पार्ट डैश देम। अब ये ना क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया गया था, सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ, क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया गया। ये एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, आई लव माई बुक सो मच, यहां पर दोबारा से सो नहीं आना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था क्वेश्चन, आई लव माई बुक सो मच दैट आई कैन नॉट पार्ट। अब यहां पर ना एक ये है आपकी एक जिसको कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है, पार्ट विद जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है, तो जिसका मतलब होता है कि किसी चीज से दूर होना, किसी चीज से अलग होना, पार्ट विद का। तो पार्ट के साथ हमेशा क्या लिखा करो, आप प्रीपोजिशन विद लिखा करो, तो पार्ट विद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्लियर। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब ये दो वर्ड है, एक डिसीव और एक रिसीव, ठीक है, ये दो वर्ड बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेलिंग टेस्ट में। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि चाहे डिसीव हो चाहे रिसीव हो, इनमें सी के बाद ई और फिर आई, इसको याद रखोगे आप, इसको याद रखोगे आप, ठीक है, सी के बाद ई फिर आई, सी के बाद ई फिर आई, ठीक है। मतलब अगर हम ग्रामेटिकली भी चलें, अल्फाबेटिकली अगर हम चलें, तो पहले ई आता है फिर आई आता है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, वो अल्फाबेटिकली चलते हैं, जो डिसीव और रिसीव में पहले ही आता है फिर आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहां पर हमें जो देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, डिसीव, यानी कि ए जो है ये राइट स्पेलिंग्स हैं किसकी, डिसीव की, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, इन दोनों में, ए और बी में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे, क्योंकि ये तो बड़े आसान से ऑप्शन है, ये आपने एलिमिनेट कर दिए होंगे, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए होंगे, डिसीव एंड डिसीव, क्लियर। तो ये जो है जिसमें ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा, वो रिसीव में भी ऐसा ही होगा कि रिसीव की अगर स्पेलिंग की बात करें तो रिसीव भी ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, पेपर में हमें देखने को मिलता है, तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये स्पेलिंग टेस्ट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, सी इज डैश वन आईड बॉय। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी बनाया गया क्वेश्चन है, मतलब इतना ज्यादा ट्रिकी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिकी बनाने की कोशिश की है उन्होंने, हालांकि क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्लियर। इन्होंने ओ लिख दिया, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या देखेंगे कि ओ लिखा है, ए ई आई ओ यू है ना, उनमें से है तो एन आना चाहिए, लेकिन आप हमेशा प्रोनाउंसिएशन पर जाओगे, आप इनिशियल साउंड जो है उसको कैच करेंगे, आप इसको बोलकर देखेंगे, उच्चारण करेंगे इसका कि कैसे होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज डैश वन आईड पर्सन, तो यहां से शुरू से देखेंगे कि यहां से क्या साउंड निकला, ठीक है, तो साउंड कौन सा निकला, तो जब भी साउंड हमारे खुले मुंह से निकले तो वो वॉल होते हैं, और जब साउंड में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आप लिप्स का यूज कर रहे हैं, टंग का यूज कर रहे हैं, या फिर जिसको कह सकते हैं कि लिप्स टंग टीथ इनका अगर आप यूज कर रहे हो तो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब मैं वन जब कहूंगा तो स्टार्टिंग कहां से होगी मेरी, व व व, यानी कि मेरे जो लिप्स है वो टच हो जाएंगे, यानी कि साउंड कौन सा बन जाएगा, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के लिए हम अ यूज करते हैं, ठीक है, वॉल साउंड से होते हैं, ठीक है, वॉल साउंड से होते हैं, और उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, इसके लिए हम अ यूज करते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वॉल साउंड्स की बात करूं, नंबर ऑफ वॉल साउंड्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये 20 साउंड्स होते हैं, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर बात की जाए तो ये 24 होते हैं, और टोटल साउंड होते हैं 44, ठीक है। अब ए ई आई ओ यू ये साउंड्स नहीं होते, ये साउंड्स नहीं होते, ए ई आई ओ यू जो है ये वॉल साउंड्स नहीं होते, नहीं होते, इस चीज को याद रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, ए ई आई ओ यू वॉल साउंड्स नहीं होते, क्योंकि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है
इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ऐसा मैंने क्यों कहा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, इसको लिख देते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज। इसकी हमने आगे क्या करी, दो कैटेगरीज करी, कौन कौन सी, एक लेटर्स की और एक साउंड्स की। दो कैटेगरीज कर दी हमने, एक लेटर्स की और एक साउंड्स की। क्लियर। अब लेटर्स और साउंड्स, अब लेटर्स और साउंड्स को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक हमने करा वॉल में और एक करा हमने कॉन्सोनेंट में। एक करा हमने वॉल में और एक क्या करा हमने कॉन्सोनेंट में। ठीक है, ऐसे ही साउंड्स को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, हमने करा एक को वॉल में और एक को कॉन्सोनेंट में। ठीक है, अब अगर हम वॉल लेटर्स की बात करें तो वॉल लेटर्स जो है ये 5 है और कॉन्सोनेंट लेटर्स जो है ये 21 है। क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है ये कितने हैं, 26 है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है ये कितने हैं, 26 है। और अगर हम बात करें साउंड्स की, अगर हम बात करें साउंड्स की, तो वॉल साउंड्स जो है ये 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड जो है 24 है और टोटल नंबर ऑफ साउंड जो है ये कितने हैं, ये 44 है। इतनी चीज आप याद रखें। क्लियर। तो ये जो ए ई आई ओ यू है ये वॉल लेटर्स हैं, ये साउंड नहीं है। हम हमेशा आर्टिकल साउंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हमेशा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो अगर आपको कॉन्सोनेंट और वॉल में डिफरेंस पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इतना आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ कि जब भी हमारे किसी भी वर्ड को प्रनाउंस करने से पहले अगर हमारे लिप्स, टंग या टीथ का यूज हो जाए तो वो साउंड कॉन्सोनेंट है। अगर वो साउंड खुले मुंह से निकले तो वो वॉल साउंड है। अगर मैं वन आयड बोलूंगा तो स्टार्टिंग में जो साउंड आ रहा है आपने उस पर ध्यान दे रहा है कि कहां से शुरुआत हो रही है, व, 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 न, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या है, व, जिसमें हमारे क्या लिप्स का यूज हुआ तो ये कौन सा साउंड हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले अ लिखा। क्लियर। आर्टिकल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने आर्टिकल को सिर्फ ए एन द ए आई ओ यू और बाकी से ही समझा होता है, लेकिन बड़ा ही डिटेल्ड चैप्टर है, बड़ा कुछ इसमें सीखने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये तीन शब्द बहुत भारी भरकम यूज अपने साथ लेकर चल रहे हैं, सॉरी ए एंड द, ये तीन जो शब्द हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रामर में, आपकी यूसेज, लैंग्वेज की यूसेज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है कि बड़े ही बोल्डनेस। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बोल्डनेस जो है इसका वो राइट ऑप्शन बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मेलाइस। मेलाइस का क्या करेक्ट एंटोनिम, मेलाइस का मतलब क्या होता है, पहले ये हम समझ लेते हैं। मेलाइस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, उसे दुखी करने की, उसे इरिटेट करने की, ठीक है, किसी ना किसी तरह से उसका नुकसान करें, इमोशनली या मेंटली या फिजिकली किसी तरह से उसका नुकसान करने की जब हम इच्छा रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलाइस। ठीक है, उसको कहा जाता है मेलाइस। और इसका एंटोनिम क्या होगा, ठीक है, तो स्पाइट जो है वो इसका सिनोनिम होगा, मेलाइस का सिनोनिम होगा। इलविल, बुरी इच्छा, हेट, ये भी इसका नहीं हो सकता, यानी कि इसका एंटोनिम जो होगा वो क्या होगा, गुडविल। तो गुडविल इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज द टीचर साइड टू द स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस से ये क्वेश्चन उठाया गया है आपका। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चन उठाया गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्टिव वर्स, पैसिव वर्स भी आप लोग पढ़ के जाएंगे, क्योंकि अभी तो नहीं पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है। जैसे कि इन्होंने नरेशन से क्वेश्चन पूछ लिया है, वैसे ही आपसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस इन सभी चीजों के लिए हमें क्या रहना होता है, प्रिपेयर्ड रहना होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, जब भी आपके सेंटेंसेस किससे शुरू हो, लेट से शुरू हो, ठीक है, लेट से शुरू हो, तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन मतलब लेट स्टार्ट अ न्यू लेसन, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक वर्ड आपने सुना होगा लेट्स, इस लेट्स का मतलब क्या होता है, इस लेट्स का मतलब होता है लेट अस।
इसका मतलब क्या हो रहा है, लेट अस। तो यहां पर देखिए, उसने कहा कि हमें नया चैप्टर शुरू कर लेना चाहिए। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। नेक्स्ट इज द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। उसे नेक्स्ट है द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट ही शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। यानी कि यहां पर जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन ऐसे ऑप्शन बनाए गए जो आपको कंफ्यूज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो बहुत कंफ्यूजन जो है उसको क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए, जो यहां पर जो शिक्षक है यानी कि जो टीचर है, वो क्या कह रहा है कि चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं। अब टीचर ने ये सजेशन किसके लिए दी, खुद के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्लियर। तो अब ये क्या है, ये सजेशन। तो लेट वाले सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, आप जब भी आपको लेट्स ये वर्ड देखने को मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, आप लेट अस जो देखने को मिलेगा या लेट्स देखने को मिलेगा, तो इसको सजेस्टेड में चेंज करेंगे। तो अगर सजेस्टेड में चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, क्योंकि आस्ट है। उसके बाद सजेस्टेड के बाद हमेशा आपको देखना होता है कि टू लिखा है या नहीं लिखा, कई एग्जाम्स में नहीं लिखा होता, ठीक है, कई ऑप्शन में नहीं लिखा, तो सजेस्टेड टू हो गया, क्लियर। इसके बाद क्या लिखा है, यहां पर अगले ऑप्शन में फिर से सजेस्टेड टू है, यहाँ पर सजेस्टेड टू, ये भी गलती नहीं है तीनों में। फिर उन्होंने लिखा द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, क्लियर। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। और उसके बाद क्या है, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट ही शुड, ही तो कोई एक आ गया, लेकिन एक के लिए थोड़ी कहा, उसने सबके लिए कहा है, चलो ये ऑप्शन भी गलत। फिर उसके बाद कह रहा है द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। अब इन दोनों ऑप्शन में क्या हो रही है, हमें कंफ्यूजन हो रही है। तो आप एक चीज याद रखेंगे, जब भी आएगा ना सजेस्टेड टू, ये जो भी आएगा उसके बाद दैट कंजंक्शन का यूज किया जाता है और फिर नेक्स्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा इसके लिए डी होगा। अब ऐसे सेंटेंसेस आपने कैसे करने हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से पढ़कर जा रहे हैं, कौन कौन से सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके पास लॉजिक है किसी चीज को समझने के या नहीं है, ये चीजें बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्रामर में, ठीक है। अब इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी हम ग्रामर पर अच्छे से फोकस करते हैं, उसको टेक्निकली तैयार करते हैं, तो फिर ऑप्शंस कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर हमें पता हो कि लेट्स वाले सेंटेंसेस को ऐसे ही चेंज किया जाता है, तो बाकी ऑप्शन मेरे लिए क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। अब यहां पर दे हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है, जिसमें टीचर भी है और स्टूडेंट्स भी हैं, दोनों ही हैं, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही हैं, तो उनके लिए हमने क्या लिख दिया, दे। आई बात समझ में, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर। अब जब भी क्या होगा, सजेशन होगी, तो वहां पे शुड का यूज भी किया जाएगा, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक ऑप्शन बन जाएगा, एक हिंट बन जाएगा हमारे लिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, गुड नाइट। तो जब भी हम गुड नाइट, गुड बाय ऐसा कुछ कहते हैं, तो उसका मतलब होता है बेड कर रहा है उसको, ठीक है, बेड कर रहा है, तो उसका बेड जो है वो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ही विश्ड हिज टीचर गुड नाइट सर। तो यहाँ पर जो सर है ना, ये सर जो है ये एक वोकेटिव केस है, ये क्या है आपका, एक वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है, व्हेन वी एड्रेस समवन, व्हेन वी एड्रेस समवन, उसको कहा जाता है वोकेटिव केस। जैसे मैंने कहा रमन इधर आ, रमन इधर आ, तो मैंने कहा ना रमन, तो मैंने उसको पुकारा, उसको एड्रेस किया, तो जो वहां पर इस सेंटेंस में जो रमन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वोकेटिव केस। जैसे मैंने लिखा रमन कम है, ठीक है, और यहां पर ये जो रमन है ये क्या है, ये वोकेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहां पे रमन को एड्रेस किया है, उसको पुकारा है, क्लियर। अब जब भी जो कोई भी वोकेटिव केस होगा ना, वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाता, इस वजह से ये गलत हो गया। अब उसने नेक्स्ट ऑप्शन दिया, ही रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड नाइट, ही रिस्पेक्टफुली बिड हिज टीचर गुड नाइट। अब यहां पर दे रखा है पास्ट, और इन्होंने बिड्स जो दे दिया प्रेजेंट में दे दिया, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट में हो तो पास्ट में ही चेंज होगी, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर उसने कहा ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज टीचर गुड नाइट, ठीक है। तो जब भी आप गुड बाय गुड नाइट ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या, जैसे ही आपको पहले बता दिया बेड लिखा होगा, तो आपके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि उसने विश नहीं करा, उसको क्या करा, बेड बाय बाय करा, क्लियर। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। प्रोहिबिट यानी कि प्रतिबंध लगा देना, पता ही है सबको क्या होगा इसका, बैन, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब क्या हो जाएगा, बैन, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैन। आपको सिनोनिम इसका देखना था, रिग्रेट का मतलब पछतावा यानी कि रिपेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है, बड़े आसान वर्ड है, आप देखते ही इसका आंसर भी लगा देंगे। उसके बाद विम्सिकल, विम्सिकल का मतलब होता है कि जो कि ऐसा हो जिससे हमें बड़ी हंसी आए, है ना, मजे आए जिस चीज को देखकर, दैट इज कॉल्ड विम्सिकल। तो इसका
जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा अम्यूजिंग, अम्यूजिंग जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मजे से भरा हुआ। तो यहां पर देखते हैं इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है कि जो चल रहा हो रुक जाए, रुकने के थोड़ी देर बाद कुछ इंटरवल के बाद फिर से शुरू हो, फिर रुक जाए, फिर से शुरू हो, तो जो इंटरवल्स पे चलता है दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट, ठीक है, इंटरमिटेंट। तो जो इंटरवल्स पे चलता है वो इंटरमिटेंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा पीरियडिक, पीरियडिक का मतलब भी इंटरवल्स पे चलना होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो दैट इज कॉल्ड स्टबर्न, तो स्टबर्न इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है कार्डिनल एक ऐसी पोजीशन होती है, ठीक है, जो पॉप के अंडर होती है, जो पॉप होते हैं ना चर्चेस में, ठीक है, रोमन साइड, रोमन चर्चेस जो है उनमें पॉप के अंडर एक पोजीशन होती है जिसको चीफ माना जाता है, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चीफ। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, मुख्य, चीफ, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स आ गए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बार रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को रट लेना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम किस चीज में डील करते हैं ना, जैसे हमने कहा कि हम इसमें डील करते हैं, कपड़ों में डील करते हैं, हम इसमें डील करते हैं, स्टेशनरी में डील करते हैं, तो जब भी डील आपको वर्ब दिखाई दे तो उसके साथ इन प्रेपोजिशन लिख दिया करो, ठीक है। तो ही डील्स इन, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बड़े लेवल के लिए आ रहे हैं, बड़े आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ये वर्ब दिखाई दे डील्स किसी भी चीज में, उसके अर्थ बिजनेस लिखाओ तो बीच में इन प्रेपोजिशन लिख दिया करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द टाइगर वॉज किल्ड डैश हंटर, हंटर के द्वारा मारा गया, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में ये जो है ये क्या है, डूअर है, ठीक है, पैसिव वॉइस में ये डूअर है, पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है उसके लिए प्रेपोजिशन बाय लगती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय, यानी कि बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा, बी जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज वीक, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी हमारे किसी किस चीज की बात की जाए, जब भी हमारे किसी एबिलिटी या इनएबिलिटी की बात की जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन है ना वो एट लगती है। अब उसने कहा कि ही इज वीक, ठीक है, तो मतलब उसकी इनएबिलिटी है, या फिर इसको कह सकते हैं उसके स्किल्स से, तो उसके स्किल्स कम है केमिस्ट्री में, तो जब भी स्किल्स की बात की जाए ना तो फिर प्रेपोजिशन एट लगाया करो। बहुत से बच्चे यहाँ पर इन प्रेपोजिशन का यूज करके आते हैं जो कि क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, जब भी ऐसा आए तो एट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, इज गुड डैश इंग्लिश, तो इसके लिए प्रेपोजिशन एट लिखा करो, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ही इज गुड एट केमिस्ट्री, या फिर ही इज वीक एट केमिस्ट्री, तो जब भी ऐसी एबिलिटी या इनएबिलिटी की बात हो, ठीक है, तो उसको आता है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज चूज द राइट सेंटेंस, इनमें से आपको राइट सेंटेंस चूज करना था। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ द इंडिया। अब देखिए इंडिया से पहले ना द नहीं लगता कभी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑप्शन आपका गलत, ठीक है। किसी नाम से पहले द नहीं लगता तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बना, ये, क्लियर। तो ये हमें पता होना चाहिए इस तरह से, जो तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि आपके जो ऑप्शन हैं वो आपने किस तरह से जो है वो पिक करने हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज वी रीच सेफ एंड, देखिए वी रीच, हाउ वी रीच, रीच जो है ये वर्ब है, वी रीच, हाउ वी रीच, तो हाउ का ये दोनों रिप्लाई है सेफ एंड साउंड, तो हाउ का जो रिप्लाई होगा वो हमेशा ही क्या होगा, एक एडवर्ब होगा, तो यहाँ पर ये जो बी है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स का फेमिनिन जेंडर जो है वो विक्सन होगा। नेक्स्ट इज यंग वन ऑफ शीप, उसको क्या कहा जाता है, उसको लैम कहा जाता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे एचपी पटवारी एग्जाम में जो पूछे गए, इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकली इसके लिए प्रिपेयर होना होगा, ग्रामर एज वेल एज वोकैबुलरी के लिए, क्लियर। तो ये था आज के हमारे सेशन में, मिलेंगे अपने अगले सेशन में जिसमें हम नए क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़े और कमेंट करें, कमेंट कर मुझे बताएं इनके आपको लेवल कैसा लगा, और सबसे बड़ी बात जो आपने करनी है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।